सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अन साहब सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट GSAT-11 को लेके है। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर GSAT-11 को पहले तय किए गए वक्त में लॉन्च किया जाता तो हो सकता है इंडिया को 1200 करोड़ का घाटे का सामना करना पड़ता। GSAT-11 को अप्रैल में लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन जब इसे लॉन्च के लिए भेजा जा रहा था तभी इसे दोबारा चेक करने के लिए वापस लाने का फैसला किया गया था, जो कि एक बहुत ही अच्छी मूव थी, क्योंकि GSAT-11 में भी वही पावर यूनिट लगा हुआ है जो कि रीसैट और GSAT-6A में लगा हुआ था, और ये फेल होने की वजह से हम अभी भी इसके साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी GSAT-11 को अच्छे तरीके से चेक किया गया है और इसकी पावर यूनिट को भी रिप्लेस कर दिया गया है, और अब ये फेल होने की कोई भी चांसेस नहीं है। इसके अलावा इसी महीने के अंदर इसरो एरिना स्पेस के साथ GSAT-30 और 31 को लॉन्च करने के लिए भी एक एग्रीमेंट को साइन करने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि GSLV मार्क 2 की इंजन को अभी मॉडिफाई किया जा रहा है और अब ये ज्यादा पेलोड्स को कैरी कर सकेगा। दोस्तों, अगला अपडेट एरो इंडिया शो को लेके है। आप सभी को पहले से ही पता चल चुका होगा कि इस बार एरो इंडिया शो को यूपी के लखनऊ में करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले इसे बेंगलुरु में किया जाने वाला था, लेकिन अभी भी इस बात को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। ओरिजिनल प्लान के मुताबिक ये शो बेंगलुरु में फरवरी 2019 को होने वाली थी, लेकिन अभी इलेक्शन को नजर में रखते हुए इसे लखनऊ के बक्सी के तालाब ए स्टेशन में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच कंडक्ट करने का प्लान किया गया है। पिछले 6 महीनों के अंदर होने वाली ये दूसरी सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्रियल शो होने वाली है, लेकिन इसकी टाइम टेबल चेंज होने की वजह से अभी जितने भी बड़े बड़े डिफेंस कंपनीज है उनको इस शो में पार्टिसिपेट करने में दिक्कत आ सकती है। एक और सवाल भी यहाँ पर खड़ा हो गया है कि वादे के मुताबिक एरो इंडिया शो 2019 में तेजस MK2 की डिजाइन को रिवेल किया जाने वाला था, क्योंकि पहले ही अनाउंस किया गया था कि एरो इंडिया 2019 में तेजस MK2 की डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस को पब्लिक किया जाएगा। लेकिन अभी ये शो वक्त से काफी पहले किया जा रहा है, तो तेजस MK2 की डिजाइन को इसके दौरान पब्लिश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सवाल उठ गया है। अगला अपडेट S-400 डील और कटसा एक्ट को लेके है। दोस्तों, पहले ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ये बता दिया गया है कि इंडिया की S-400 डील के ऊपर कोई भी सैंक्शन लगाया नहीं जाएगा और इंडिया और रशिया के बीच जितने भी डिफेंस डील हैं उन पर कटसा एक्ट लागू नहीं की जाएगी। अभी तक इसे फॉर्मली बताया गया था, लेकिन सोमवार को इसे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा साइन किया जाने वाला है, जिसके बाद हम रशिया के साथ बिना डरे अपने डिफेंस डील को आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिया को वेवियर दिलाने के लिए US कांग्रेस की तरफ से नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट 2019 का सहारा लिया गया है, जिसके अंदर जो जो कंट्री अपने ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन पर कटसा एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा। अगला अपडेट कॉमकासा एग्रीमेंट को लेके है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया और US के बीच सितंबर में होने वाली 2+2 मीटिंग से पहले ही कॉमकासा एग्रीमेंट को साइन करने का प्लान किया जा रहा है, और हो सकता है इसे इसी महीने के अंदर ही साइन कर दिया जाएगा, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट से इंडिया जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदेगा उनमें हाई एंड सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। एक और बात भी यहां पर सामने आई है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 100 प्रेडेटर सी ड्रोन के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया है, और यूनाइटेड स्टेट भी इंडिया को इन ड्रोन को देने के लिए राजी हो गया है, और इस डील की कीमत करीब $8 बिलियन तक होने वाली है। अगला अपडेट यूपी डिफेंस कॉरिडोर को लेके है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट देते हुए यूपी और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने का फैसला किया गया था, जिसके बाद इंडिया को एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के तौर पर एस्टेब्लिश किया जा सकता है। सोर्सेज के मुताबिक अभी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से यूपी डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। अगला अपडेट हमारी नेवी की P-8I एयरक्राफ्ट डील को लेके है। एक दो दिन पहले भी मैंने बताया था कि क्या की तरफ से यूपीए गवर्नमेंट पर P-8I एयरक्राफ्ट डील को लेके चार्ज लगाया गया है कि 2009 में जब ये डील साइन किया गया था उस वक्त बोइंग को फेवर किया गया था। क्या क्या कहना है कि अगर इस डील को फेयरली किया जाता तो बोइंग के बदले ये डील स्पेन की इडस कासा को मिलने वाली थी, जो कि 20 साल की सर्विस एज ए पैकेज के तौर पर ऑफर कर रहा था।
साथ ही P-8I एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी की सारे रिक्वायरमेंट को सही तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जो एम्युनिशन चाहिए वो अभी तक हासिल नहीं किया गया है। इन सब एलिगेशन के बाद अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा UPA गवर्नमेंट के द्वारा किए गए इस डील की फाइल्स को वापस खोला जाने वाला है, जिसमें एक इंटरनल इंक्वायरी की जाएगी जिससे पता चल जाएगा कि P-8I डील में गड़बड़ किया गया था नहीं किया गया था। दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल के लिंक दे रखा है, साथ ही हमारी दूसरी डिफेंस न्यूज चैनल का लिंक भी दे रखा है। आप जाके मुझे सोशल मीडिया में फॉलो जरूर कर लीजिएगा, साथ ही हमारी दूसरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह पाएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।